टिकट लगाया अभी क्योंकि अभी साढ़ महीना चल रहा। बहुत तो भाई साहब ने नजारा तो देखो आप लोग। बारिश से बचने के निंजा टेक्निक। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हमारा दिन है दूसरा यहाँ पर त्रंबकेश्वर में और आज का प्लान क्या है, आज हम जाएंगे इगतपुरी और सुबह सुबह का वक्त है और यह है हमारा रूम, ये सारा पसारा हमारा लड़के लोग कैसा ही रहता है। तो आपको मैं अभी बाहर का नजारा दिखाता हूँ। लुक एट दिस मस्त वेदर और सामने पहाड़ी है। अभी सुबह सुबह का वक्त है, कोई बादल है नहीं तो काफी अच्छा लग रहा है पहले, क्योंकि कल है ना इतनी जोरों से बारिश आ रही थी ना, पूरे रोड पर हमें इतनी बारिश मिली ना कि आप मत पूछो बात, मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। अच्छा यहाँ पर है, अगर आपको स्टे करना है तो यहाँ पर कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लोकेशन डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। बस आपको मैं अपडेट देता रहूंगा। तो ऐसा कुछ हाल है हमारा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं त्रंबकेश्वर शिव जी का दर्शन करने के लिए। अभी 8:30 बजे है और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने। मयंक और आयुष वहाँ पर जा चुके हैं, मैं जीजी और भाई अभी जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा आलसी है, हम लोगों ने उन लोगों को भेज दिया था कि जाओ आप देख के आओ लाइन कैसी है कितनी है, मोबाइल ना करके आओ, उसके बाद हम आएंगे। और ये देखो म्यूजियम पब्लिक भी कम है। तो यह त्रंबकेश्वर का पुराना मंदिर है, जूने महादेव मंदिर ये वाला, और यहाँ से अंदर मंदिर जाने का रास्ता है। तो यह यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है इधर से आगे, और ये बैरिकेड लगाया है अभी क्योंकि अभी साढ़ महीना चल रहा है, और हम आपको दर्शन करने के बाद मिलते हैं क्योंकि अंदर फोन अलाउड है ही नहीं। चलो ठीक है। गौर से देखिए इस दोनों को। जल्दी सरक जगा करो, भगवान के भक्त है। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग तुम लोग कितने बजे आए थे यहाँ पर? 7:30 बजे। 7:30 बजे ये लोग आए थे और अभी 10:30 बज चुके हमारे, 4 घंटे। लेकिन हमारा दर्शन 1 घंटे में हो गया था, लेकिन फाइनली दोस्तों हमारा दर्शन तो हो चुका है, काफी अच्छा लगा, काफी पीसफुल वाइब आई और यहाँ से अभी निकलने वाले अभी। चलो मिलते हैं। तो गाइस ऑल सेट, हमारा लगेज सेट हो चुका है और आज तो हम मोटर ब्लॉक करेंगे क्योंकि आज बारिश नहीं है, इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था। और सारा हमारा लगेज अभी सेट हो गया है और भाई कर रहा है अपना लगेज सेट, अपनी गाड़ी फुल लोड हो चुकी है, NS भी हो चुकी है, मीटर भी हो चुकी है और ये 250 हो चुकी है। और कितने बजे अभी? अभी बजे 12:30। अभी 12:30 बज चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं अभी इगतपुरी, यहाँ से है 67 किलोमीटर, 1.5 घंटे की जर्नी बता रहा है। एंजॉय करते करते जाएंगे और आपको भी दिखाते जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, लाइक ऐप करते नहीं हो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना। डाकू बन चुके हैं गाइस। ऑल सेट ब्रो? या ऑल सेट। ओके चलो दोस्तों, पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं हम ताकि कुछ छूट ना जाए। और तो कुछ नहीं है, क्रॉस चेक कर लिया ब्रो, कुछ नहीं है। चलो नहीं नहीं, तो ये हमारा छोटा सा रूम था, यहाँ पर हमने स्टे किया था, 1000 रुपीज़ इसका प्राइस था, शाम को आए थे और अभी निकल रहे हैं। ब्रो यू आर लुक लाइक अ प्रोफेशनल राइडर। मेरे और मयंक के सेम ही शूज़ है, एशियन के 07 थाला फॉर रीज़न ब्रो, थाला फॉर अ रीज़न, ये और ये सेम है। हो गया
हाँ कर ही दे। चलो तो अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से, और ये था होटल क्राउन प्लाजा। ओके, और आज मौसम काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। कल मोटो व्लॉगिंग करने का इतना मन था, लेकिन मोटो व्लॉगिंग मैं कर ही नहीं पाया यार। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपको भाई हाजिर आपके साथ मोटो जॉगी, आपका भाई MG। लेट्स गो बड़ी, अपना ब्रो भविक। सारे राइडर्स हमारे अभी निकल चुके हैं इगतपुरी के लिए। और सॉरी दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा कि कोई भी आप टेंपल पर जाओ या फिर कोई भी आप मंदिर पर जाओ तो आपको फ़ोन अलाउड नहीं करते, तो मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाया। और त्र्यंबकेश्वर से हम निकल रहे हैं अभी राइट नाउ, और अभी बच चुके हैं 12:38, एक बजने वाला है, और अभी तक हमने लंच भी नहीं किया और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। दोस्तों आप ये सामने नज़ारा देखो यार, कितना ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत नज़ारा। ऊपर बादल है और बीच में से मतलब जो पहाड़ियाँ दिख रही है वो कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो दूसरी बार का हमारा ये फ्यूल अप है। अभी हम जब घर से निकले थे तब हमारी ट्रिप हमने कर दी थी 0, और अभी गाड़ी चल चुकी है 332 किलोमीटर, और अभी भी एक बार बता रहा है मतलब कि अभी भी 60 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल सकती है, लेकिन हम दूसरी बार ही फुल अप करा रहे हैं अभी। ओह माय गॉड भाई, व्हाट द भाई साहब ने नज़ारा तो देखो आप लोग भाई, ये है असली महाराष्ट्र, ये है असली भाई, क्या ही नज़ारे है। वो सामने एकदम छोटा ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, क्या क्या ही क्यूट वाटरफॉल है दोस्तों, व्हाट अ सीन ब्रो। जगह जगह पर वैसे बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल माउंटेन्स है दोस्तों इस रोड पर, त्र्यंबकेश्वर से इगतपुरी वाला रोड, आपको ऐसे पर्वत की वादियाँ दिखेगी। भाई साहब कितने खूबसूरत नज़ारे चल रहे हैं अभी भाई, यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं ना कि क्या बोलूँ आपको मैं। एक बार दोस्तों आप मालसाट घाट विजिट करना और इगतपुरी भी विजिट करना। चल दोस्त आजा पिच्छू। और लाइनअप भी क्या ही सही लाइनअप है दोस्तों, मस्त आजू बाजू पानी है और सामने ये माउंटेन्स और बीच से गाड़ियां जा रही है भाई, और लाइफ में चाहिए क्या यार, अच्छा रोड है। और यहाँ पर एक बंदा गाड़ी को साफ कर रहा है नदी के पानी में ही। वाह भाई वाह, लुक एट दिस व्यू, वो नदी के बीच में गार्डन सा बना है देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और भाई 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 व्हाट अ व्यू मैन, लुक एट दिस व्यू, ये हमारा लाइनअप और पीछे पहाड़ियाँ, भाई क्या ही गाड़ियाँ सही लग रही है, पीछे का व्यू भी सही है, और आपका भाई तो सही है ही ऑलवेज एज ऑलवेज। लेकिन लगता है मेरे को बारिश होने वाली है, बूंदाबांदी चालू हो गई है भाई। भाई मैंने कई बार इच्छा थती नहीं अत्य। तो दोस्तों इगतपुरी यहाँ से है सिर्फ 38 किलोमीटर ही है, लेकिन गूगल मैप यहाँ से बता रहा है कि आपको लगेंगे यहाँ से 1.5 घंटा, 1 आवर 30 मिनट लगेगा। लेकिन दोस्तों व्यू काफ़ी अच्छा है इस रोड का, यहाँ से व्यू पॉइंट आप नदी को देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन है दोस्तों।
और आजू बाजू आप देख सकते हो पूरे डांगर के खेत है, और ये पूरा स्ट्रेच गांव वाला ही है, तो उसी चक्कर में हमको काफ़ी देर लग जाएगी। और बूंदाबांदी अभी चालू हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि गोप्रो अंदर रखना पड़ेगा। लेट्स सी, अभी ज़्यादा हुई तो मुझे रखना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तो चल जाएगा क्योंकि काफ़ी महंगा गोप्रो आता है दोस्तों। यहाँ से है इगतपुरी से 15 किलोमीटर ही बाकी है, लेकिन जो मुझे इतनी मज़ा ही ना, मुझे मतलब हमें इतनी मज़ा आई ना बाइक चलाने में। आप ये देख सकते हैं पूरे आजू बाजू पूरे एकदम पर्वत की वादियाँ हैं, और भाई वाटरफॉल देखो नीचे कितना खूबसूरत। अशोक एव इगतपुरी वाला चलो ले, ये लो गाइस हम पहुँच गए इगतपुरी वाटरफॉल। हाँ, तो दोस्तों हम जिस वाटरफॉल पर जाना चाहते थे ना, ये वही वाटरफॉल है, अशोका वाटरफॉल। बहुत ही बढ़िया यार, एकदम दिल खुश होगा यहाँ पर आकर। और आज तो धूप भी निकली है। तो दोस्तों हम फाइनली पहुँच गए हैं इगतपुरी वाटरफॉल। नाम मुझे नहीं पता था, लेकिन अशोका नाम है, अशोका वाटरफॉल। चलो अब तो सिर्फ हमको रूम पर जाकर आराम ही करना है, क्योंकि हम वाटरफॉल पर भी आ गए। मस्त लग रहा है। हाँ बाइक तो नहीं जाएगी, नीचे यहाँ से जा सकते होंगे शायद। चले क्या अपन यहाँ पर ही तो आने वाले थे, अशोका ही नाम था। मैंने जो देखा था ना वो यही वाटरफॉल था, तुझे रील्स भेजता हूँ मैं। यहाँ से इगतपुरी से 15 किलोमीटर ही तो बाकी है, वो लोग नीचे जाते थे। हाँ 10-12 किलोमीटर ही है, मतलब अपन यहाँ पर ही आने वाले थे। नीचे जा सकते हैं यहाँ से, बंद है। ओ मैन, इगतपुरी आना तो चौपट हो गया दोस्त। क्या उधर रास्ते पे देख लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वो अपन आए थे ना तो रास्ते पे ही वो दिख रहा था, वहाँ से अच्छा लग रहा था। हाँ तो वहाँ नजदीक ही तो है, चलते हैं। चलो कोई नहीं, चलो नेचर लवर, बहुत मस्त देखा टोटो। चलो दोस्त फिर से पीछे चलते हैं अभी। अगर हम नीचे जा पाते ना भाई, सच में मज़ा आ जाता भाई। मैंने जो हमारी चेकलिस्ट में था ना, मैंने इस वाटरफॉल का ही देखा था इगतपुरी में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन फिर से अभी अपनी मंजिल पे चलते हैं। अबे नहीं, उड़न तस्तरी उड़ाते हैं अभी। और वाटरफॉल ठीक है, उड़ाने। अपन भाई इगतपुरी में ये वाटरफॉल देखने के लिए ही आए थे। हाँ तो वो तो मैंने बोल दिया, वो बाइक पर मैंने बोल दिया। आज तो भाई बारिश नहीं है, आज तेरा भाई तो फुल मोटर व्लॉगिंग के सेटअप में है भाई। इसको भी नहीं पता था, ये भी हिडन वाटर। हाँ हाँ वो मुझे नहीं मालूम था। निकालेगा अभी आज के दिन में चौथी बार, कल तो निकाल नहीं पाए थे इसलिए आज भाई। कल चल ठीक है, चल 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 ठीक है, निकलते अभी। चलो दोस्तों अभी हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए उड़ाते हैं अभी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अशोका वाटरफॉल पर, और लेकिन आज तो बंद है, अभी बंद हो गया है। 5:30 बजे ना, 5:30 बज चुके हैं, तो अभी बंद हो चुका है। तो अभी इस हेलीकॉप्टर से हम आपको दिखाएंगे ये वाटरफॉल कैसा दिखता है। ज़्यादा रिस्क नहीं मैं भी ले सकता, तो लेकिन आपको ज़रूर से दिखाएंगे। और ये जगह इतनी खूबसूरत है ना, आजू बाजू की पूरी एकदम हरियाली हरियाली है। मन कर रहा है कि ऐसे सारी जगह पर ड्रोन उड़ाते ही जाऊँ और आप अच्छे अच्छे नज़र आपको दिखाते जाऊँ। और ये हमारे बंधु लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए। चलो ठीक है, अभी उड़ाते हैं।
दोस्तों, आपके लिए ऐसा करना पड़ता है, अभी काफ़ी पसीना हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जब भी हम ड्रोन उड़ाते हैं ना 20 मिनट हमारी यहाँ ही निकल जाती है, तो ऐसा करना पड़ता है आपके लिए ताकि आप अच्छे अच्छे शॉट्स देख सको। तो दोस्तों आई होप आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे होंगे। आज तो मैंने इतनी बार ड्रोन उड़ाया ना भाई कि मत ही पूछो, क्योंकि जब भी हम ड्रोन उड़ाते हैं ना आधा घंटा हमारा निकल ही जाता है। और यहाँ पर भी फिर से हमने ड्रोन उड़ाया अभी, जो कि हमको हम आपको दिखाने ही वाले थे। इगतपुरी का वाटरफॉल मुझे नाम नहीं पता था, लेकिन इसका नाम है अशोका वाटरफॉल और यहाँ पर ये फेमस है वाटरफॉल इगतपुरी में, ऐसा गूगल मैप हमें बता रहा था। और ये मेरा वाइजर ना ढीला हो गया था कब से, वो वाइब्रेशन के कारण वो ऐसा नॉइस कर रहा है ये। और यहाँ से इगतपुरी सिर्फ अभी 10 किलोमीटर ही बाकी है, आज हमने सिर्फ 57 किलोमीटर ही राइड की है। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर से इगतपुरी का रोड एक नंबर है भाई, आजू बाजू पूरे जंगल है और जंगल में से पहाड़ियाँ जा रही है और उसमें से हम बाइक निकाल रहे हैं। कहीं कहीं जगह पर दोस्तों रोड खराब थे, लेकिन ओवरऑल एक नंबर रोड है दोस्तों। और लगता है आगे बादल है तो बारिश भी होने वाली है। यस ब्रो आई नीड सम वाटर, सुबह से पानी भी नहीं पिया और कुछ खाना भी नहीं खाया, अभी तो मांगता है पानी। पानी जब गले से नीचे उतर रहा है ना, आटा डे में जा रहा है ना, इधर फील हो रहा है भाई। चलो चलो चलो, अभी 20 मोड ऑन हो गया भाई, लोग कुर्सी की पेटी थाम लो। और एक वाटरफॉल, इस रोड पर दोस्तों जगह जगह पर भुट्टे काफी मिल रहे हैं। अरे यार ये पूरा दिमाग की बैंड बजा रहा है ये, अबे पास कर रहे। बारिश से बचकर हम निकल आए, गुड जॉब ब्रो, गुड जॉब। बारिश से बचने के निंजा टेक्निक। तो दोस्तों राइट नाउ अभी हम है होटल ग्रैंड परिवार में और यहाँ का प्राइस है 9,000 रुपीज, तो ये काफी गर्म पड़ रहा है हमें। इसीलिए हम कोई अच्छे से होटल पे जाएंगे, कोई ठंडे प्लेस चाहिए ताकि हम हमारे बजट पे बैठ सके मतलब। और यहाँ पर आजू बाजू का वेदर एक नंबर है दोस्तों, यहाँ पर आप जिधर भी नजर घुमाओगे ना उधर आपको एकदम अच्छे अच्छे माउंटेन्स दिखेंगे, पूरा माउंटेन से घिरा हुआ इलाका है। और जगह जगह पर दोस्तों आप थोड़ी ही आगे जाएंगे आपको फॉग मिलेगा, और उसके आगे जाएंगे और आपको फॉग मिलेगा, फॉगी फॉगी वेदर है। तो दोस्त क्या बोला, नहीं होगा मतलब जो सस्ते रूम है ना वो अवेलेबल है नहीं यहाँ पर, और डीलक्स रूम ही अवेलेबल है, वो हमको चाहिए नहीं क्योंकि सिर्फ एक ही नाइट स्टे करनी है उसमें इतना ज़्यादा। अभी हम दूसरे होटल ढूंढेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ हमें स्टे करना है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बावली वाटरफॉल की तरफ और इधर ही आता है बावली डैम भी, तो लगे हाँ चलो हम ये भी देख ही लेते हैं और आपको दिखाई देते हैं। लेकिन वो देखो छोटा सा वाटरफॉल के ऊपर से एकदम नीचे गिर रहा है। पहले तो हम रूम ढूंढने वाले थे, लेकिन अभी वाटरफॉल का डिसाइड कर लिया, रूम तो बाद में भी ढूंढ लेंगे, तो पहले हमने डिसाइड किया कि चलो बावली वाटरफॉल घूम के ही आते हैं। नाइस लेक ब्रो, नाइस लेक, नाइस व्यू, नाइस बाइक्स।
यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट मुझे दिख रहे हैं, तो ये शायद इगतपुरी की फेमस जगह हो सकती है। ओ भाई ये रहा बावली वाटरफॉल, ये एक नंबर भाई। ओ माय गॉड दिस इज बिखी, नहीं बिखी होना मत। ओ ये दिस इज बावली वाटरफॉल। ओ मैन वाह वाह, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, फोटो क्लिक करा रहे हैं और नाइस प्लेस। ऊपर फॉग है और नीचे वो वाटरफॉल है। मत जाना। चलो मैगी खाते हैं अभी, के वहाँ पर जाना है। ये सामान 1.5 लाख का मैगी और वाटरफॉल। मयंक और भाविक और आयुष नीचे गए वाटरफॉल का लुफ्त उठाने, वाटरफॉल का मजा लेने गए थे, लेकिन यहाँ से वो मजा है ना वो नजदीक से नहीं है, तो हम यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का दिन हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।